Daily Bulletin is brought to you by KBN University, Style Up at Prakash Asian Mall, and by United Diagnostics. शुरुआत करते हैं कोविड 19 के केस से। 118 नए पॉजिटिव केसेस आज रजिस्टर हुए हैं और 32 डिस्चार्ज या क्यूर्ड केसेस। टोटल एक्टिव केसेस अब बढ़ते हुए 630 पर आ पहुंचे। एक नई डेथ शामिल है आज की इस बुलेटिन में। कोविड 19 के बढ़ते हुए केसों को देखते हुए डीसी विवेक ज्योत्सना जी ने आज कोविड लेबोरेटरी को विजिट किया, जहां पर डॉक्टर कविता पाटिल यहां पर मौजूद थी और डॉक्टर शफीउद्दीन जो कि मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं जिम्स के, वो यहां पर मौजूद थे। साथ ही साथ डीएचओ डॉक्टर राजशेखर मालिक यहां पर पहुंचकर उन्होंने सारी तैयारियां किस तरह चल रही है और सेकेंड वेव का जो मामला नजर आ रहा है उस पर काबू किस तरह से पाएं, उस पर कई सारी चर्चा हुई। बात करें हम गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से आया हुआ ये नया ऑर्डर, इसे बात ये बताई जा रही है कि अगर आप इसे फॉलो नहीं करते हैं तो आपको जुर्माना भी होगा। जी हाँ, किस तरह से अलग अलग कैटेगरीज बनाई हैं, आइए हम आपको तफसील से बताते हैं। सबसे पहले है कि कंपलसरी वियरिंग ऑफ मास्क एंड मेंटेनेंस ऑफ सोशल डिस्टेंस, ये जनरल पब्लिक के लिए गाइडेंस है। अगर ये आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अंदर रहते हुए करते हैं, अगर आप इसे वायलेट करते हैं तो 250 रुपये आपको पेनल्टी दी जाएगी। याद रखिए, इसको जज करने के लिए यहाँ पर अगर आप बैंगलोर में हैं तो बीबीएमपी मार्शल आपके साथ मौजूद हैं। अगर आप बैंगलोर से बाहर हैं तो कोई पुलिस ऑफिशियल जो कि हेड कांस्टेबल से बिलो नहीं हो, यानी हेड कांस्टेबल से ऊपर कोई भी आपको चार्ज कर सकता है ये फाइन। दूसरा इंपॉर्टेंट कैटेगरी ने यह बताया है कि जो ओनर्स होते हैं शॉपिंग मॉल्स के या कॉम्प्लेक्स के या दुकान के, वो अगर अपनी दुकान पर अपने मॉल में या अपने एरिया के अंदर वो अगर डिस्टेंस मेंटेन नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंस और मास्क जो लोग पहन के आ रहे हैं अगर वो पाबंदी नहीं लगाते हैं तो उन पर भी काफ़ी बड़ा फाइन लग सकता है। यानी कि अगर नॉन एयर कंडीशन पार्टी हॉल अगर वो है, डिपार्टमेंटल स्टोर अगर है, तो 5,000 रुपये का जुर्माना आपको लग सकता है। साथ साथ गवर्नमेंट ने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया है जहां पर पब्लिक गैदरिंग हो सकती है। जी हाँ, मैरिज का सीजन चल रहा है तो फिलहाल मैरिजेस के लिए क्या क्या पाबंदियां हैं। 500 लोग अटेंड कर सकते हैं शादी या वलीमा या फिर कोई रिसेप्शन या फिर कोई इवेंट जहां पर ओपन स्पेस में 500 लोगों की इजाज़त दी गई है, और क्लोज्ड अगर वो जगह है यानी कि छत के नीचे अगर है तो सिर्फ 200 लोगों को परमिशन दी गई है। अगर बर्थडे पार्टीज हैं या कोई और सेलिब्रेशन है तो 100 लोगों की इजाज़त है ओपन हॉल में, और अगर ऑडिटोरियम के अंदर कर रहे हों तो 50 लोगों की इजाज़त है। किसी की डेथ हो जाती है या फ्यूनरल जिसे हम कहते हैं, वहाँ पर खुले में 100 लोगों की इजाज़त है और क्लोज्ड एरिया के अंदर सिर्फ 50 लोग अटेंड कर पाएंगे, और कोई और फंक्शन हो तो लिमिट सिर्फ 100 लोगों की रखी जा रही है। अगर कोई रिलीजियस सेलिब्रेशन हो या कोई फंक्शन हो जहां पर कोई रीति रिवाज का मामला आता हो या कोई मजहब का मामला आता हो तो खुले में आप 500 लोगों को इजाज़त दी जा रही है। अगर पॉलिटिकल सेलिब्रेशन है या फंक्शन है तो 500 लोगों की इजाज़त है ओपन प्लेसेस में, यानी कि क्लोज्ड स्पेसेस में पॉलिटिकल फंक्शंस और रिलीजियस फंक्शंस पर कोई अनुमति नहीं आ रही है, सिर्फ खुले में बात हो रही है, वो भी 500 लोगों की परमिशन है। अगर इसे आप वॉयलेट करते हो तो फंक्शन हॉल्स या जगह के ओनर्स और ऑर्गेनाइजर दोनों पे पेनल्टी इम्पोज की जाएगी। ऐसों के लिए 10,000 की पेनल्टी इम्पोज की जा रही है। उसके अलावा एयर कंडीशन हॉल की अगर हम बात करें या ब्रांडेड शॉप्स की अगर बात करें तो ऐसे लोगों को और शॉपिंग मॉल्स को 10,000 का जुर्माना है, और स्टार होटल्स अगर हैं या बड़े बड़े मैरिज हॉल्स हैं अगर वो कैपेसिटी एक्सीड करते हैं तो उन्हें भी 10,000 का जुर्माना है। वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे पर कलबुर्गी चेस्ट सेंटर में आज एक अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ ट्यूबरक्लोसिस पर। जी हाँ, ट्यूबरक्लोसिस एक बहुत ही बड़ी बीमारी, पुरानी बीमारी है लेकिन उसे अब अभी तक भी काबू नहीं पाया जा सकता। तो आपको क्या करना हो, सिंपल स्टेप डॉक्टर दुर्गे इस पर बता रहे हैं, आइए नजर डालते हैं। मैं सर डॉक्टर श्रीकांत दुर्गे, नानू पल्मोनोलॉजिस्ट अंदर श्वासकोश तज्ञ। इवत्तु विश्व ट्यूबरक्लोसिस दिन, ಇದರ ಪ್ರಯುಕ್ತವಾಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಲೋಸಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀವಿ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಟಿವಿಯಿಂದ ಕೋಟಿ ಜನ ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತದವರು 25 ಲಕ್ಷ ಜನ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ. ಸೊ ಈ 25% ಬರ್ಡನ್ ಆಫ್ ಟಿವಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ಮೇಲಿದೆ. ಇದನ್ನ ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಬಹಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಇದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಟಿವಿ ಡಿಸೀಸ್ ಬರ್ಡನ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಸಫರಿಂಗ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಫ್ರಮ್ ಡಯಾಗ್ನೋಸಿಸ್ ಟಿಲ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ವರೆಗೂ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ನಗ್ಲತೆ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ರೈಟ್. ಇವಾಗ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಟಿವಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು, ಇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಈವೇನ್ ಕ್ರೈಮ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು ರೀ ಟಿವಿ. ಎಂಥ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಗೂ ಕೂಡ ಟಿವಿ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾರಿಗೂ ಆಗ್ಬೋದು.
ಟಿವಿ ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ರೂಟೀನ್ ಬೇಗ ಟಿವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೈಕ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಡಯಾಬಿಟೀಸ್ ಇರೋರು ಮತ್ತು ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಟ್ ಇರೋರು. ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲ್ಲ ಅವರು. ಮತ್ತು ಎಚ್ ಐ ವಿ ಇರೋರಿಗೆ, ಮತ್ತು ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋರಿಗೆ, ಅದರ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅವರು ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಕಿಡ್ನಿ ಡಿಸೀಸ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಲಿವರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರೋರಿಗೆ, ಈ ಥರ ಪುವರ್ ಕ್ರೋನಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಇರೋರು ಮಾಲ್ ನರಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇಮ್ಯುನೋ ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ಡ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರಲ್ಲಿ ಟಿ ಬಿ ಡಿಸೀಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ಕೋಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಟಿ ಬಿ ಇದೆ ಅಂತ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟಿ ಬಿಗೆ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್. जैसे बाय इलेक्शन चल रहे हैं मस्की में, जहाँ पर एसटी रिजर्व है, रायचूर डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है, वहाँ पर नॉमिनेशंस फाइल हो चुके हैं. कैंडिडेट जो बीजेपी के हैं प्रताप गौड़ा पाटिल हैं और कांग्रेस पार्टी से बसंत गौड़ा हैं, उन्होंने आज अपने नॉमिनेशंस फाइल किए. महाराष्ट्र ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. कोविड 19 के केसेस में अब तक यानी पैंडेमिक शुरू होने से लेकर आज तक पहली बार इतने केसेस एक दिन में हुए हैं, जिसमें टोटल अब आंकड़ा बताया जा रहा है 31,855 कोविड 19 केसेस एक ही दिन में. जी हाँ, इस चलते हुए महाराष्ट्र के अंदर केस की बढ़ोतरी देखते हुए कर्नाटक और ऐसे अलग अलग स्टेट्स ने महाराष्ट्र से आने वालों पर थोड़ी पाबंदी लगा दी है, यानी कि उन्हें अपना आरटीपीसीआर टेस्ट करवाना है और तभी दूसरे स्टेट्स में आना है. उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी जगह पर महफूज हों और आप भी सोशल डिस्टेंस मेंटेन करें और मास्क पहनाएं जब भी आप पब्लिक प्लेस में जा रहे हो. वैसे घबराने की कोई बात नहीं है, अगर आप अपनी हिफाजत खुद करते हैं तो ये सबसे बेटर बात है और सबसे बेस्ट बात है. अपने घर वालों को आप दो चीज जरूर दे सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम या फिर वैल्यूएबल एसेट. जब बात वैल्यूएबल एसेट की आती हो तो अगर वो वैल्यूएबल एसेट अगर प्रॉपर्टी हो तो बहुत ज्यादा काम आती है. 313 डेवलपर्स की रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपकी वैल्यूएबल एसेट्स आपको जरूर मिल जाएंगे. रियल एस्टेट में आप क्या देखते हैं? करीब लोकेशन और बेस्ट प्राइस. रीगल एनक्लेव ऐसा ही एक प्रोजेक्ट है जहां पर आप अपने अपनों के साथ खरीद ले सकते हैं. रीगल एनक्लेव, स्टे क्लोज स्टे कनेक्टेड. रीगल एनक्लेव एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो हार्ट ऑफ द सिटी में है. शहर के अंदर के साथ साथ सारे डेवलपमेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये लेआउट एनए और कुडा अप्रूव है. सारे बेसिक एमिनिटीज जस्ट ए वॉक अवे हैं इस प्रोजेक्ट से और इस प्रोजेक्ट के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यूबल रहेगा, क्योंकि महंगाई के इस जमाने में इन्वेस्टमेंट सेव करने के लिए रियल इस्टेट काफ़ी अच्छी चीज़ है और इसीलिए रीगल एनक्लेव. इसके डेवलपर्स हैं 313 डेवलपर्स. तो आप सोच रहे होंगे कि भाई इसके एमिनिटीज क्या क्या है. RCC ओपन ड्रेन, UGD, water supply, tar roads of 30 feet and 40 feet, electrification, plantation, children's park, theme park, jogging track और भी बहुत कुछ. इसे exact landmark अगर हम बात करें तो KNZ function hall से जो road जा रही है AN banquets तक, AN banquets के बिल्कुल लगकर ये layout है NA कुडा approved. ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर आए नंबर पर कॉल करें. और इस प्रोजेक्ट के प्रोमोटर्स हैं GoHash Realtors. GoHash.in को सपोर्ट करें एंड लेट्स गो फार. फार यानी फास्ट, एक्यूरेट, रिलायबल. जी हाँ, आप बन सकते हैं हमारे मेंबर. डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, उसे क्लिक करने के बाद आपको हमारे मेंबरशिप फॉर्म आएगी, जो फिलअप करने के बाद आप बन सकते हैं हमारे मेंबर. सो प्लीज डू सपोर्ट GoHash.in एंड लेट्स गो फार. आखिर में हम आपसे अपील करते हैं, अगर आपके एरिया में आसपास कोई इशू है या आप कुछ चीज़ लोगों तक पहुंचाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं, या एडमिनिस्ट्रेशन का कोई लैब से जो आप दिखाना चाह रहे हैं, तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करें या मैसेज करें 9113542278. हम ज़रूर उसे एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाएंगे और नेसेसरी डिपार्टमेंट तक पहुँचाएंगे और आपकी चीज़ को आगे ले जाएंगे. डेली बुलेटिन इज ब्रॉट यू बाय KVN यूनिवर्सिटी, स्टाइल अप एट प्रकाश एशियन मॉल एंड बाय यूनाइटेड डायग्नोस्टिक्स.